नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासि गौर भक्त वृंद के। श्री श्री कृष्ण बलराम के। श्री श्री राधा श्याम सुंदर के। श्री श्री निताई गौर सुंदर के। समवेत भक्त वृंद के। श्री श्री गुरु एम गौरांग की। आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंध के 16वें अध्याय का 8 नंबर का श्लोक। स्कंध 8 अध्याय 16 श्लोक 8। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्कृते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंध के 16वें अध्याय का 8 नंबर का श्लोक। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अपि अग्नयः तु वेलायां न हुतः हविषा सति त्वया उद्विग्नधिया
भद्रे प्रोषिते मयि करहिचि अप्यग्नयस्तु बेलायाम् अप्यग्नयस्तु बेलायाम् न हुता हविषः सति त्वयोद्विग्न धिया भद्रे प्रोषिते मयि करहिचि अप्यग्नयस्तु बेलायाम् न हुता हविषः सति त्वयोद्विग्न धिया भद्रे प्रोषिते मयि करहिचि अप्यग्नयस्तु बेलायाम् न हुता हविषः सति त्वयोद्विग्न धिया भद्रे प्रोषिते मयि करहिचि अपि क्या अग्नयः अग्नि तो निसंदेह बेलाया अग्नि यज्ञ में न नहीं होता डाला गया हविषा घी द्वारा सत्य हे सत्य त्वया तुम्हारे द्वारा उद्विग्न दिया किसी चिंता के कारण भद्रे हे कल्याणी प्रोषिते घर से दूर था मई जब मैं करीजे कभी कभी अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा हे सती तथा शुभ है जब मैं घर से अन्य स्थानों को चला गया था तो क्या तुम इतनी चिंतित थे कि अग्नि में घी की आहुति भी नहीं दे सकी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हम लोग अदिति और कश्यप के संवाद को सुन रहे हैं। आप पहले सुन चुके हैं कश्यप जी दीर्घ काल तक समाधि में थे। जब समाधि का व्युत्थान हुआ और बहुत दिन के बाद अदिति के आश्रम पर आए अदिति के घर पर आए लेकिन घर पर कोई उत्सव का चिन्ह नहीं देख रहे हैं और अदिति का मुख भी बहुत उदास देख रहा है। अपने पत्नी का मुख उदास देख करके वे उदासी का कारण पूछ रहे हैं और कई एक कारणों का भी उल्लेख कर चुके हैं प्रश्न कर चुके हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि अपि अग्नयस्तु बेलाया न हुता हविषः सति हे सती हे सात्वी क्या क्या ऐसा हुआ कि तुम समय से अग्निहोत्र नहीं कर पाए। गृहस्थों का धर्म है कि उनको होम करना चाहिए देवता के लिए आहुति देनी चाहिए तो पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम समय से अग्नि में आहुति नहीं डाली क्योंकि तयोद्विग्न धिया भद्र क्रोशिते मयि करहिचि। उसका कारण है कि मैं तो प्रदेश में था तो क्या इसके कारण तुम बहुत चिंतित थे और चिंता इतनी बढ़ गई कि तो समय पर अग्निहोत्र नहीं कर पाई। और अब अग्निहोत्र के महिमा को बतला रहे हैं कि यत् पूजया कामधेना याति लोकात् गृहान्वितः। जो गृहस्थ समय से अग्निहोत्र करता है तो वह
काम दुखान लोकाति, ऐसे लोक को प्राप्त होता है जहाँ उसके यहाँ उसको सारी सुविधाएं प्राप्त होती, यहाँ इच्छा के अनुसार उसको सुविधा प्राप्त होती। जो अग्निहोत्र करता है तो वह गृहस्थ स्वर्ग को प्राप्त करता है। ब्राह्मणो अग्निश्च वै विष्णु सर्व देवात्मना मुखम। अब अग्निहोत्र की महिमा को बतला रहे हैं कि ब्राह्मण और अग्नि यही भगवान विष्णु के मुख है, और भगवान विष्णु का परिचय दे रहे हैं कि सर्व देवात्मना। भगवान विष्णु में सारे देवताओं का निवास है, सारे देवता भगवान विष्णु के अंग स्वरूप है, और भगवान विष्णु का मुख है अग्नि और ब्राह्मण। कोई व्यक्ति अग्नि में घी का आहुति देता है तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। और भगवान को प्राप्त होने का अर्थ है कि सारे देवताओं को वह प्राप्त हो जाता है। सर्व देवात्मन, भगवान सर्व देव स्वरूप है, और अग्नि में आहुति देते हैं तो भगवान के मुख में हम डाल रहे हैं, और भगवान के मुख में डाल रहे हैं तो सारे देवताओं को प्राप्त हो रहा है। तो इस दृष्टि से अग्निहोत्र का बहुत भारी महिमा है। भगवान ब्राह्मण और आग के मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। तो उदासी के कारण के रूप में वे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ कि हम परदेश में थे तो हमारी चिंता में पड़ करके, हमारे विषय में सोच करके इतनी चिंतित हो गई कि समय से अग्निहोत्र नहीं कर पाई। लेकिन अभी वो अदिति कुछ बोल नहीं रही है, फिर वे प्रश्न कर रहे हैं कि अपि सर्वे कुशलिन स्तव पुत्र मनुष्यनी, हे मनुष्यनी तुम्हारे सारे पुत्र सकुशल है ना, तुम्हारे पुत्रों की कुशलता है ना। अरे कोई कह सकता है क्यों इतना अप्रश्न पूछे जा रहे, वे कह रहे कि लक्ष्य अस्वस्थ आत्मान भवत्य लक्षण इरहं, तुम्हारे लक्षण को देख करके, तुम्हारे मुख के आकृति को देख करके, तुम्हारे मुख के उदासी को देख करके हम समझ रहे हैं कि तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं है, तुम किसी न किसी चिंता में। और इस प्रकार कश्यप जी कई एक प्रश्न पूछ रहे हैं, और कश्यप जी के चेतना का स्तर देखिए, अदिति उदास है तो उनको लग रहा है कि ब्राह्मणों के सुरक्षा में कोई कमी हो गई इसलिए उदास है, ये धर्म का ह्रास हो गया इसलिए उदास है, ये अतिथि का सत्कार नहीं कर पाई इसलिए उदास है, ये समय से अग्निहोत्र नहीं कर पाई और इसलिए उदास है। यह हो सकता है कि घर में खाने पीने की सामग्री का अभाव हो गया हो इसलिए उदास है, और अंततः पूछ रहे हैं कि तुम्हारे सब पुत्र कुशल पूर्वक हैं ना, कहीं पुत्रों के कठिनाई से तो तुम उदास नहीं हो। तो इस प्रकार जब कश्यप जी का ये प्रश्न पूछे तो अब श्री अदिति उवाच, अब अदिति बोलना प्रारंभ कर रही है। वह कह रही है कि भद्रम द्विजगवान ब्रह्म धर्मस्यास्य जनस्य, कह रही है कि गायों का मंगल है, ब्राह्मणों का मंगल है, और धर्म का मंगल है, और जनस्य ये समाज के लोग हैं इनका भी मंगल है। त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह में दिन गृहा इमे,
करके आप पूछ रहे हैं कि घर में तो कोई अभाव तो नहीं है, तो जो त्रिवर्ग का क्षेत्र है तो यहाँ घर में भी किसी प्रकार का अभाव नहीं है, खाने पीने की सामग्री का कोई अभाव नहीं है। और अग्नयो तिथयो विद्या भिक्षो ये लिप्सव सर्वम भगवतो ब्रह्म अनुध्यायन इत्यादि। मैं आपका ध्यान रखती हूँ, आपके स्टैंडर्ड का ध्यान रखती हूँ, तो हमसे कोई त्रुटि नहीं है। मैं आपकी पत्नी हूँ, तो आप का जो व्यवहार का स्तर है तो उसका मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, और इसलिए अग्नि में आहुति देने में हमसे कभी विलंब नहीं हुआ, और अतिथि हमारे घर से निराश नहीं लौटे। या कोई भिक्षुक है या कोई कुछ चाहता है, लिप्सु है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो कोई भी हमारे घर से निराश नहीं गया। सर्वम भगवतो ब्रह्म अनुध्यायन लिप्स्यति। आपका ध्यान करके आपका स्मरण रहने से कोई भी त्रुटि नहीं हुई है। हम घर का जो व्यवहार होना चाहिए वह उसको ठीक ठीक से निष्पादित किए। कौन में भगवान का न संपदित मानता। अब आगे कहने लगे कि हमारे मन में कोई कामना है, तो कौन कामना ऐसा है कि जो पूर्ण नहीं हो जाएगा। कौन में भगवान का न संपदित मानता। अदित्य कश्यप जी को भगवान संबोधित कर रहे, आप सर्व समर्थ है, तो आपके उपस्थिति से आप हमारे पति हैं, तो कौन हमारा मन का संकल्प है जो पूरा न हो जाए। जस्य भगवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्म प्रभासते। आप जैसे धर्म के विषय में बोल रहे हैं, जैसे प्रश्न कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि आपका स्तर बहुत ऊंचा है। तो इस स्तर का जिसका पति है तो उसका कौन मनोरथ अधूरा रह जाएगा, कौन मनोरथ पूर्ण नहीं हो जाएगा। अब अदिति कहने लगे कि मैं जानती हूँ कि इस संसार में जो भी सृष्टि है तो आपका ही सृष्टि है, चाहे वो रजोगुणी सृष्टि हो, तमोगुणी सृष्टि हो या सत्वगुणी सृष्टि हो, विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, तो सब है आपके ही संतान है। चाहे वो देवता हो या दैत्य हो, तो सब आपके ही संतान है, और समूह भगवान आपके पुत्र हैं, आपके संतान है, तो स्वाभाविक ही आप सबके प्रति संबुद्धि रखते हैं। देवताओं से भी आपका प्रेम है, दैत्यों से भी प्रेम है, दोनों के प्रति आप समभाव रखते हैं, लेकिन फिर भी तथापि भक्तम भजते महेश्वर। लेकिन हम भगवान के स्वभाव में देखते हैं कि सबके प्रति भगवान सम है, समूहम सर्व भूते। भगवान के लिए कोई द्वेष नहीं है, कोई उपेक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी जो भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसके तरफ विशेष ध्यान रखते हैं, अपने भक्तों का मनोरथ भी पूर्ण करते हैं। तो आप भी भगवान के भक्त हैं, उनके अनुगामी हैं, तो हमारे मनोरथ को आप पूर्ण करेंगे। तो तस्मात इस भजंत्या में श्रेयस चिंत सुब्रत हत श्रीय हितस्थान स्थान शपथ में पाठ न करो। मैं भी आपके सेवा में हूँ, आपकी सेवा करते हूँ, तो हे प्रभु हे सर्व समर्थ में श्रेयस चिंत, हमारे श्रेय का आप विधान कीजिए।
हमारे प्रे का योजना कीजिए, उसके विषय में प्लान कीजिए, उसके विषय में सोचिए। अरे क्या तुम्हारा श्रेय है? तो कह रहे कि हित श्रेय हित स्नान शपथ निर्पाह न प्रभो। शत्रु हमारे घर को छीन लिए, हमारे ऐश्वर्य को छीन लिए, बहुवचन में बोल रही है पुत्रों को आत्मसात करके, तो शपथ नहीं पाए न प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, हमको संरक्षण प्रदान करो। परे विवासिता सा मग्ना व्यसन सागर, वे कह रहे हैं कि शत्रुओं के द्वारा विवासिता हम आवास से बाहर कर दिए गए, हम उनका घर छीन लिया गया। तो साहम मग्ना व्यसन सागर, इसी कारण मैं तो दुख के समुद्र में पड़ी हूँ। और स्वर्गम श्री जसस्थान हृतान प्रबल मन, जबरदस्ती हम लोगों का ऐश्वर्य, हम लोगों का स्थान, हम लोगों का जस छीन लिया गया। तो यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येर ममात्मजा तथा विदाही कल्याण धिया कल्याण कृतम। आप कुछ व्यवस्था कीजिए कि हमारे पुत्रों को फिर से घर वापस आ जाए, अभी अपने ऐश्वर्य को फिर से प्राप्त कर ले, कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए। तथा विदेह कल्याण धिया कल्याण कृतम। और कह रही है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप में सामर्थ्य नहीं है, कल्याण कृतम आप तो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का चिंतन करते, उनका भजन करते हैं और भगवान के संतुष्टि के लिए विविध प्रकार के व्रत को धारण किए हैं, तो उसके प्रभाव से हमारे किसी भी मनोरथ को पूर्ण करने में असक्षम है। तो अदिति प्रार्थना कर रही है अपने पति से कि कुछ व्यवस्था कीजिए कि हमारे पुत्रों का घर वापस हो जाए, उनको उनका अपना स्थान पुनः प्राप्त हो जाए। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं अभ्यर्थितो दित्या कष्टामा स्मरणीय। अब जब अदिति की बात को सुने कश्यप ऋषि तो स्मरणीय, अवे मुस्कुरा तो नहीं रहे थे लेकिन मुस्कुराते हुए अभी आह कहने लगे। अदिति के दुख से कश्यप जी भी प्रभावित हुए, उसमें सहानुभूति रखे लेकिन अदिति के दुख को दूर करने के लिए, उसमें वैराग्य उत्पन्न करने के लिए वो मुस्कुराते हुए प्रवचन कर रहे हैं, हंसते हुए से प्रवचन कर रहे हैं। और वे कहने लगे कि अहो माया बलम विष्णु स्नेह बद्ध मिदम जगत। अबे मन में विचार करने लगे कि भगवान विष्णु की माया कितनी प्रबल है, वो माया के प्रभाव से सब लोग स्नेह में बंधे हुए। अदिति के वचन को सुन करके जैसा वे आग्रह कर रही है कि हमारे पुत्रों का घर वापस हो जाए, और कश्यप जी तो मन में सोचने लगे कि भगवान की माया कितनी प्रबल है, स्नेह बद्ध निदम जगत, तो सारा संसार स्नेह के रस्सी में बंधा हुआ। वो ऐसे मन में वे सोच रहे हैं और कभी फिर वे अदिति से प्रकट कहने लगे। कश्यप जी विचार कर रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे कि धर्म के ग्लानि से दुखी है, अतिथियों का सत्कार ठीक से न कर पाए किससे दुखी हो सकती,
यह समाज में कोई बहुत भारी कठिनाई उपस्थित हो गई है तो उससे दुखी है, लेकिन ये तो अपने पुत्रों के माया में पड़ करके दुखी हो रही है, ये तो अपने पुत्रों को स्नेह में पड़ करके दुखी हो रही है। और कश्यप जी विचार करने लगे कि इसको ज्ञान देना चाहिए, ये माया तो अज्ञान की वृत्ति है, अज्ञान के कारण एक माया में पड़ी है तो इसको ज्ञान देना चाहिए। तो अब वे गीता का ज्ञान प्रारंभ कर रहे हैं, वे कहने लगे कि क्वा देहो भौतिको नात्मा, अरे थोड़ा देह पर विचार कर लो, यह आत्मा नहीं है अनात्मा, ये आत्मा से भिन्न है, आत्मा तो चेतन है लेकिन शरीर तो जड़ है। तो क्वा देहो भौतिको नात्मा, क्योंकि यह भौतिक है, भौतिक का अर्थ है कि भूत से बना है, पंच महाभूत बहुत प्रसिद्ध है, पृथ्वी या ऊपर से चले तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच भूत हैं और ये बहुत भारी मात्रा में है तो इसलिए इनको महाभूत कहा जाता है। भूत मतलब जो हो गया है, जो सृष्ट है, और इसका परिमाण बहुत अधिक है तो इसलिए इसको महाभूत कहते हैं। और कह रहे हैं कि क्वा देहो भौतिको, ये जो शरीर है तो ये तो भूत से बना है, पंच महाभूत से बना है, बड़ा प्रसिद्ध है, चौपाई है, ये पंच रचित या अधम शरीर है, ये पांच महाभूत से, पांच पदार्थ से शरीर बना है और ये आत्मा से भिन्न है, ये अनात्मा है। और क्वच आत्मा प्रकृति पर, और आत्मा प्रकृति का कारक नहीं है, पंच महाभूत तो प्रकृति के प्रोडक्ट है, प्रकृति के उत्पाद है, प्रकृति इसको उत्पन्न करती है और शरीर इस उत्पाद का निर्माण है, प्रोडक्ट है, ये पंच महाभूत से शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर तो प्रकृति का कार्य है लेकिन क्वच आत्मा प्रकृति है पर, लेकिन आत्मा तो प्रकृति से परे है, और दोनों में बहुत भारी अंतर है। देखिए शरीर का तो हम लोग दर्शन करते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन आत्मा को कोई देखता है? और दोनों का स्वरूप बिल्कुल अलग अलग है। और कहें कि क्वा देहो भौतिको नात्मा, ये शरीर पंच महाभूत से बना है, जड़ है, और क्वा चात्मा प्रकृति पर, आत्मा तो चेतन है, ये प्रकृति का कारण नहीं है। तो कश्य के पति पुत्र मोह के वही कारण, अरे संसार में कौन किसका पति है, कौन पुत्र है, ये तो व्यक्ति अज्ञान वश मान लेता है। इस संसार में तो आदमी किसी को पति मान रहा है, पुत्र मान रहा है और उसी की चिंता में मरता रहता है, लेकिन ये संबंध कितने दिन का है, ये देह पर आधारित संबंध है, देह समाप्त होगा सब संबंध समाप्त हो गया, ये क्षणिक संबंध है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति परिवार के संबंध को मान रहा है, परिवार का संबंध तो पांत संबंध है, पांत संबंध का अर्थ है कि पंथ में, रास्ता में कोई जा रहा है, कई एक लोग जाते रहते हैं रास्ते में, लेकिन कहीं कहीं प्यायु है, वहाँ पानी मिल रहा है और बैठने की सुविधा है, तो कई एक यात्री एक जगह बैठ जाते हैं और थोड़े देर तक बैठे हैं और इसके बाद जिसको जिधर जाना है उधर चले जाते हैं। तो परिवार का संबंध तो वैसे ही है जैसे प्यारे ऊपर व्यक्ति इकट्ठा हो जाता है और सबका डेस्टिनेशन अलग अलग है, सबका कर्म अलग अलग है, तो एक प्रश्न ये जन को
व्यक्ति अकेला जन्म लिया और मृत्यु के बाद अकेला जाएगा। बीच में जैसे प्यारे पर बैठा है कोई, तो वैसे ही परिवार में इकट्ठा हो गया। तो कष्ट के पति पुत्र आत्मा के लेवल पर देखा जाए तो आत्मा का किससे संबंध है? ये देह तो दिख रहा है, आत्मा दिखता ही नहीं है, तो दोनों में संबंध कैसे होगा? आत्मा सूक्ष्म है और कैसे संबंध होगा? व्यक्ति अज्ञान के कारण किसी शरीर को अपना संबंधित मान लेता है, क्योंकि मोह ही वही कारण। कोई व्यक्ति किसी को पुत्र मान रहा है, पति मान रहा है, या कोई दूसरा संबंध देख रहा है, तो इसके पीछे कारण है मोह, इसके पीछे कारण है अज्ञान। वे आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ रहा है, तो इसी से किसी को पुत्र मानता है, किसी को पति मानता है, किसी को पत्नी मानता है। वास्तव में ये संबंध है नहीं। कश्यप जी देह और आत्मा के तत्व को समझा रहे हैं और उनके मन में विचार था कि तो माया में पढ़ करके, अज्ञान में पढ़ करके, दैहिक धारणा में आ करके और संबंध स्थापित करके और दुखी हो रही है। वास्तव में संबंध है नहीं, और इसको ज्ञान देने से इसका अज्ञान खत्म हो जाएगा। और फिर ये जो भावना है पुत्र पति की, यह समाप्त हो जाएगा, तो यह इसका दुख समाप्त हो जाएगा। तो वे देह और आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, अदिति सुन रही है, लेकिन अब कश्यप ये अनुभव कर रहे हैं कि कितना हूं मैं ज्ञान दे रहा हूं, तो इसका सुख तो कम नहीं हो रहा, इसका दुख तो कम नहीं हो रहा। तब कश्यप जी उसको भक्ति का उपदेश देने लगे। कश्यप जी कह रहे हैं कि उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूत गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरु। अदिति से कह रहे हैं उपतिष्ठस्व पुरुषं, अरे कि तुम अपने पति की आराधना करो। पुरुष मतलब पति, उपतिष्ठस्व पुरुषं, वे तुम अपने पति की उपासना करो। अदिति कह सकती है कि पति तो आप हैं, आपकी तो उपासना कर रहे, लेकिन आप भगवान पर, पति भगवान है, उनके उपासना पर। हम वास्तविक पति नहीं, हम तो लौकिक पति हैं, और लोक व्यवहार में हमको पति मान लीजिए, वास्तविक पति तो भगवान है, वे पुरुष है। ये सिद्धांत को समझना चाहिए, पति का अर्थ क्या होता है? जो रक्षा करे वो पति है, पाति इति पति। और लक्ष्मी जी पति की परिभाषा दी है कि सवई पति स्यात् अकुतो भयं स्वयं। भाई पति तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि जिसको कहीं से किसी प्रकार का भय नहीं है। सवई पति स्यात् अकुतो भयं स्वयं, खुद ही सब तरह से निर्भय है और समंतता पाति भयातुरं जनम, और जो उसके आश्रित हैं, जो किसी प्रकार के भय में पड़े हैं, तो पूरा पूरा उनके भय का निवारण कर दे। वो पति उस व्यक्ति को कहा जाएगा जिसको अपने कुछ भय नहीं है और अपने आश्रितों के भय को भी दूर कर दे, तो उसको पति कहा जाएगा। अब इस स्टैंडर्ड से, इस परिभाषा पर जांचे कि एक एवं पति तो केवल एक है और दूसरे का पितरथा पिता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति है तो दूसरे से तो भयभीत है, वो खुद ही भयभीत है, तो अपने आश्रित को भय का क्या नाश करेगा?
कोई भी व्यक्ति है तो इस संसार में स्वतंत्र नहीं है, दूसरे की क्या रक्षा करेगा। इसी श्रीमद् भागवतम में नारद जी युधिष्ठिर महाराज को समझाते हुए कहे हैं कि काल कर्म गुणोधीन देहोयम पंच भौतिक कथमन्य गोपाय सर्पग्रस्त यथापर। अरे कि कोई भी व्यक्ति है तो उसका शरीर कर्म के अधीन है, काल के अधीन है, प्रकृति के गुण के अधीन है, और काल कर्म गुणाधीन देहोयम पंच भौतिक, अपना शरीर ही काल कर्म गुण के अधीन है तो दूसरे की रक्षा क्या करेगा। उदाहरण दे रहे हैं कि सर्पग्रस्त यथा पर, मान लीजिए कि कोई मेढक है, कोई बेंग है, मेढक है, और उसको कोई सांप निगल गया है, उस सांप के मुख में है, अब दूसरा मेढक चिल्ला रहा है, हेल्प मांग रहा है, तो जो सांप के मुख में मेढक है वो दूसरे मेढक की सहायता कर सकता है, वो तो खुद ही सांप के मुख में पड़ गया। तो उसी प्रकार की संसार की स्थिति है कि काल कर्म गुणाधीन देवोयम पंच भौतिक, अपना शरीर ही काल के अधीन है, कर्म के अधीन है, और दूसरे की क्या रक्षा करेगी। और यहाँ किसी की क्षमता नहीं है कि दूसरे की रक्षा कर। तो लक्ष्मी जी कह रही हैं कि जो पति का परिभाषा है तो उसके अनुसार तो केवल आप पति, एक व्यक्ति पति है, दूसरे को तो यहाँ भय है, और वह पति नहीं हो सकता। और अपने खास पत्नी को कश्यप जी उपदेश दे रहे हैं कि अपने वास्तविक पति की उपासना कर। देखिए इस संसार में तो बहुत सारे लोग हैं कि उनका अहंकार बना हुआ है कि मैं पति हूँ। अरे थोड़ा परिभाषा में अपने को जान लो, तुम ओरिजिनल पति नहीं हो, डुप्लीकेट पति। कश्यप जी इस तथ्य को समझ रहे हैं, अपने पत्नी को कह रहे हैं कि उपतिष्ठस्थ पुरुष तो वास्तविक पति की उपासना करो। अरे कौन है अवास्तविक पति? भगवंत, वे भगवान है, वे सदैश्वर्य पूर्ण है, वे सब तरह से समर्थ है। अब अदिति कह सकती है कि भगवान पति सब तरह से समर्थ है, सब कुछ देने में सक्षम है, लेकिन विवाह तो आपके साथ हुआ है। किसी स्त्री का विवाह जिस व्यक्ति से हुआ है तो उससे तो कुछ मांग लेती है, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति से कुछ मांग करने लगे तो उसको बड़ा बुरा माना जाता है। अपने पति से कुछ मांग रही है तो इसमें कोई दोष नहीं है, और न ही पति कोई बोझ समझता है। कुछ कुछ है और लोग कहते हैं कि पत्नी पति से कुछ मांग रही है तो उससे वो बोझ नहीं समझता है, बल्कि प्रसन्न होता है। पत्नी बहुत दिन कुछ चीज न मांगे तो चिंता में पड़ सकता है, ये क्या बात है कि कुछ मांग नहीं रही। तो अपने पति से मांगना कुछ दोष नहीं है। अब अदिति से कह रहे हैं कि उपतिष्ठस्व पुरुषम, अपने पति की आराधना है। कौन पति? भगवान। अरे आपसे विवाह हुआ है, हम दूसरे से कैसे मांगेंगे? तो कह रहे कि जनार्दन, कई एक अर्थ है जनार्दन का, लेकिन इस कंटेक्स्ट में, इस परिप्रेक्ष्य में कि भगवान का परिचय दे रहे हैं कि जन ही अर्द्यते इति जनार्दन। अरे ऐसे भगवान है, भगवान का ऐसा स्वभाव है कि सब लोग उनसे मांगते हैं, भगवान से मांगने में कुछ संकोच नहीं है, जन जन उनसे मांगता है, वे जनार्दन है। अच्छा ठीक है, सब मांगते हैं, लेकिन उस पति को मैं पाऊंगे कहाँ? कहाँ वे पति मिलेंगे? मिलेंगे तब तो मैं कुछ उपासना करूँ या कुछ मांग करूँ, क्योंकि सर्वभूत गुहावा पर उनको खोजने में कोई परिश्रम नहीं है, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है, सारे प्राणी उनके आवास हैं, सब को सुलभ है।
और प्राणी आवास है, तो हमें तो कभी अनुभव नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि वासुदेव, जब चित्त शुद्ध होता है तब उनका अनुभव होता है, शुद्ध चित्त में प्रकाशित होते हैं। चित्तम विशुद्धम वसुदेव शब्दित, शुद्ध चित्त को वसुदेव कहा जाता है, और जहां शुद्ध चित्त में जिसका प्रकाशन हो तो उसको वासुदेव कहते हैं। और भगवान के विषय में कह रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं है जगत गुरु, जो परम हितैषी सबके हितैषी, और कश्यप जी अदिति को उपदेश दे रहे हैं, उपतिष्ठस्थ पुरुष, पुरुष का एक अर्थ होता है जो अधिक देने वाला है पुरुष। अब इसमें दो शब्द है पुरु और सव, तो इसका अर्थ किया गया है पुरु अधिक क्षणोति ददाति इति पुरुष, जो बहुत अधिक दे उसको पुरुष कहेंगे। तो कश्यप जी कह रहे हैं कि तुम पुरुष की आराधना करो, भगवान की आराधना करो, और वे सारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं, वे बहुत अधिक देते हैं, भगवान बहुत अधिक प्रदान करते हैं। भगवान की विशेषता है कि भृत्यस्य गुरुन न पश्यति, भगवान अपने सेवकों के बड़े बड़े दोष पर ध्यान ही नहीं देते, उसको देखते ही नहीं। अब दंड देने की बात बहुत देर, भृत्यस्य पश्यति गुरुन अपि न अपराधम, अपने सेवक के बड़े बड़े अपराध पर भी देखते ही नहीं। अब दंड देने का तो कोई सवाल ही नहीं है, और सेवन मनागपिता बहुधा विपरीत, कोई व्यक्ति थोड़ी भी सेवा करता है तो उसको बहुत अधिक मानते हैं। देवताओं की स्थिति है कि कोई उनके पास जल मांगने के लिए गया तो वे प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है हम जल दे देंगे लेकिन तुम हमको अमृत प्रदान करो। देवताओं के विषय में कहा जाता है कि बेल के बराबर लेते हैं तो सरसों के बराबर देते हैं, लेकिन भगवान का स्वभाव है कि वे बहुत अधिक देते हैं, और पुरु अधिकम सलोती, वे बहुत अधिक देने वाले हैं, भगवान बहुत अधिक देते हैं। अब अक्रूर जी का नाम सुनते होंगे, अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं, और नंदगांव से अक्रूर जी को लेकर के मथुरा में आए, जब मथुरा के बाहर सखा लोग मिल गए, ब्रजवासी मिल गए, तो भगवान कहे अक्रूर जी से कि आप रथ को ले लीजिए और मथुरा में जाइए। अक्रूर जी कहने लगे कि नाहम भवद्भ्याम रहित प्रवेक्षे मथुरा में प्रभु, हे प्रभु आप दोनों को छोड़ करके मैं मथुरा में नहीं प्रवेश करूंगा, और आपको भी हमारा त्याग नहीं करना है, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं और मैं भक्त हूँ, तो एक भक्त वत्सल के लिए जो भक्त से प्रेम करता है तो भक्त का त्याग करना उसके लिए भी उचित नहीं है। वो कह रहे हैं कि चलिए हम लोग साथ चलो, संकोच मत कीजिए। अक्रूर जी प्रस्ताव रखे भगवान से कि हमारे घर चलिए, अक्रूर जी कह सकते हैं क्या देख रहे हो हमारे बड़े भाई हैं, इतने हमारे सखा लोग हैं, तो इनको छोड़ करके कैसे घर जाऊंगा। अक्रूर जी कहते हैं कि सबको लेकर के चलिए, साग्र जो है सब गोपाल है, बड़े भाई के साथ चलिए, सबको लेकर के चलिए, संकोच मत कीजिए, हमारे घर में रहने के लिए पर्याप्त स्थान है, खाने पीने के लिए पर्याप्त सामग्री, कोई संकोच मत कीजिए, अब चलिए।
हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। वे कई तरह से प्रार्थना कर रहे थे अक्रूर जी अपने घर ले जाने के लिए, लेकिन भगवान कहे कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं आऊंगा तुम्हारे घर, लेकिन जदों को द्रुहम हत्वा, ये जो जादवों को कष्ट में दे रहा है, कष्ट में डाला है, जादवों से द्रोह कर रहा है, तो कंस का वध करके मैं आऊंगा। अपने माता पिता को जेल से छुड़ा करके बंदी गृह से मुक्त करके आऊंगा। अक्रूर जी तो प्रस्ताव रख रहे हैं कृष्ण से कि हमारे घर चलिए, वहां आराम से रहेंगे, लेकिन भगवान का विचार है, उनका मनोभाव है कि देखो माता पिता जेल में है और हम लव फिस्ट खाने चले, तुम्हारे यहाँ प्रीति भोज के लिए चले, तो दुनिया क्या कहेगी, हमको टाइम दो, हम तुम्हारे घर आएंगे, लेकिन पहले कंस का वध करके। और भगवान ने कंस का वध किया और अक्रूर जी के घर गए। अक्रूर जी के घर जब गए तो अक्रूर जी बहुत प्रसन्न हो गए, वे भगवान से कहने लगे कि आज हमारा बस्ती धन्य हो गया, हमारे पितर मुक्त हो गए, हमारा भाग्य खुल गया, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया कि आपका यहाँ पांव पड़ा। और उसी क्रम में कह रहे हैं कि वह पंडितस्तोदपरम शरणम समीया, कि कौन ऐसा विद्वान व्यक्ति है, कौन ऐसा पंडित है जो फालतू का ट्रैफिक पुलिस में भर्ती हो जाते हैं अपने कथा सुनना नहीं है, दूसरे को भी बाधा डाल देते हैं, यह ठीक नहीं है। बहुत खाली जगह दिख रहा है, जो पीछे से आएंगे वहां बैठ सकते हैं, कथा सुनने वाले को ऐसे डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। और कथा सुनने वालों का ध्यान दूसरे तरफ करेंगे तो मैं कथा बोल नहीं पाऊंगा। जो पहले से आए हैं उनका प्रथम अधिकार है ना, वे सुखपूर्वक बैठेंगे, जो पीछे से आ रहे हैं वो जहां जगह मिलेगा वहां बैठेंगे। अब कीर्तन प्रारंभ किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हम अक्रूर जी के उक्ति पर विचार कर रहे थे। अक्रूर जी जब भगवान को अपने घर में देखे तो उनके मन में विचार आया, भगवान अपने वचन की रक्षा की, जैसा कहे थे वैसा कह दिए कर दिए। तो कह रहे हैं कि कह पंडितस तदपरम शरणम समीया, कौन ऐसा पंडित है जो तद अपरम आपको छोड़ करके दूसरे के शरण में जाएगा। और भक्त प्रिया ऋतगिर सुहृद कृतज्ञ, कृष्ण के विषय में कह रहे हैं ऋतगिर आप सत्यवादी हैं, आपका वचन कभी झूठा नहीं होता है और भक्त आपको बहुत प्रिय है, या भक्तों को आप बहुत प्रिय हैं। भक्त प्रिया ऋतज्ञ सुहृद कृतज्ञ, और आप किसी के भावना को समझते हैं, किसी के कार्य को सेवा को आप समझते हैं, और सुहृद आप परम हितैषी हैं। और इसी उसी क्रम में कह रहे हैं कि सर्वान ददात सुहृद भजता भजतो विकामा, जो व्यक्ति प्रेम से आपका भजन करता है तो सर्वान ददात उसके सारे मनोरथ को आप पूर्ण करते हैं। सर्वान ददात भजत सुहृद विकाम आत्मानम अपि, उसके सारे मनोरथ को तो पूर्ण करते ही है अपने को भी प्रदान कर देते हैं। अरे सारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे तो उनका स्टॉक ही खत्म हो जाएगा, या अपने को एक व्यक्ति को दे देंगे तो दूसरे को कैसे देंगे। तो कह रहे हैं कि उपचया पचयो में जैसे आप में वृद्धि और ह्रास नहीं है, तो कह रहे हैं कि सर्वान ददाति भजतो विकामा, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसके सारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं और अपने को दे देते हैं। तो यहाँ कश्यप जी उपदेश दे रहा है कि उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवान दत्तम, भगवान की आराधना करो, वे बहुत अधिक देने वाले, सारे मनोरथ को पूर्ण करने में सक्षम है, बहुत अधिक देने वाले हैं और सबके हितैषी हैं, और उन्हीं का तो भक्ति कर उनकी उपासना कर। सब विधा से ते कामा, वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। हरिर दीनानुकंपन, वे दीन दुखी पर अनुकंपा करते हैं, और अमोघा भगवत भक्ति नेत्रेति मतिर मम। और कश्यप जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अमोघा भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति अमोघ है, ये कभी निष्फल नहीं जाती है। एक बात कर न इतरा, जो दूसरे की भक्ति है तो उसमें यह सिद्धांत लागू नहीं होता। अमोघा भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति अमोघ है, अमोघ का अर्थ है कि निष्फल नहीं जाती है, और न इतरा दूसरे की भक्ति है तो वह अमोघ नहीं है। कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, वो निष्फल नहीं जा सकते। और दूसरे की भक्ति कर रहे हैं तो हो सकता है कि कभी फल मिल जाए, लेकिन कभी कभी निष्फल भी चला जाएगा। एक भगवान के भक्ति की विशेषता है। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग भगवान के भक्त हैं और कुछ लोग किसी नेता के भक्त हैं, और जो नेता का भक्त है तो कभी कभी देखा जाता है कि कुछ काम लेकर के गया तो नेता जी कर भी देते हैं, मंत्री कर देते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जब जाएंगे तब आपका काम कर देंगे।
कभी कभी उनका जय जयकार किए तो सफलता मिल जाती है, कुछ फल मिल जाता है, लेकिन कभी कभी निष्फल भी चला जाता है। प्राय एक दो बार तो काम कर देते हैं और बाकी नहीं करते, और देवताओं के साथ यही स्थिति है। कभी कभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं और कभी नहीं भी कर सकते, लेकिन भगवान के भक्ति के विषय में कह रहे हैं कि अमोघा भगवत भक्ति, भगवान के भक्ति निष्फल जाती ही नहीं है। तो स्वविधा से प्रति काम हर दिना कम करो, तो उन्हीं की उपासना करो। अब ये दिन दुखी पर विशेष कृपा करते हैं जो तुम्हारे दुख को दूर करेंगे, और तुम भगवान की आराधना करो, वास्तविक पति की आराधना करो। अमोघा भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति निष्फल नहीं जाती। इस बात को कश्यप जी बोल रहे हैं कि हमारा तो यही विचार है, अपना विचार दे रहे हैं, लेकिन कश्यप जी का विचार बिल्कुल शास्त्र पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि अपने कल्पना से बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी वृंदावन का वर्णन किया, शरद ऋतु में वृंदावन कैसा दिखता है, वहाँ की क्या शोभा है, और उस क्रम में वे कह रहे हैं कि वृंदावन में और शरद काल में, शरद काल के प्रभाव से और गावो मृगा खगा नारिया, गाय है और खग पक्षी, खगा मृगा और जो और भी पशु हैं, तो पुष्पुण्य शरदा भवत, अवे शरद के प्रभाव से पुष्पुणी हो गई। पुष्पुणी का अर्थ है कि गर्भधारण के योग्य और गर्भधारण के इच्छुक, गावो मृगा खगा नारिया, चार का उल्लेख कर रहे हैं, गाय और दूसरे पशु पक्षी और नारी। तो अब वे पुष्पिणी हो गई, तो अन्वीय मान सदृश है, वे पुष्पिणी हो गए, गर्भधारण के इच्छुक हैं शरद के प्रभाव से, तो उनके पति, उनके जो मेल पार्टनर है, तो वे उनका पीछा कर रहे हैं, उनका अनुगमन कर रहे हैं, और उदाहरण दे रहे हैं कि फल इस क्रिया की वह, जैसे भगवान के भक्ति के पीछे फल लग जाता है। देखिए चार लोगों का उदाहरण है, लेकिन हम तीन का उल्लेख नहीं करेंगे, हमको ज्ञान भी नहीं है। एक गाय का उल्लेख किया जा रहा है, गाय के विषय में आप लोग देखे होंगे कि जब वह ऋतुमती हो गई, गाय गर्म हो गई, तो उसका एक लक्षण आता है, उसके योनि से कुछ द्रव का स्राव होने लगता है। अब उस समय तो किसी गाय को सांड देख लिया तो उसका पीछा नहीं छोड़ता है, वो गाय के पीछे भागता रहता है, वो उसको छोड़ेगा नहीं। कभी कभी देखा जाता है कि गाय सांड से दूर भागना चाहती है, लेकिन सांड उसको आगे से घेर लेता है, तेज दौड़ करके घेर लेता है। जब उदाहरण दिख रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं कि गाय ऋतुमती हुई है तो सांड उनका पीछा कर रहे हैं, और उदाहरण क्या दे रहे हैं कि फलय इस क्रिया ही, जैसे कोई इस क्रिया है, भगवान से संबंधित कार्य भक्ति है, तो उसका अनुगमन फल करता है, तो भक्ति करने पर फल की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। गाय गर्म है, ऋतुमती है, तो सांड स्वतः उसका पीछा करने लगता है, और भक्ति करने से और फल प्राप्त होता है, भक्ति निष्फल नहीं जाती। एक गाय के उदाहरण से समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि भक्त लोग फल नहीं लेना चाहते, और भक्ति का तो गौर फल भले हो,
जस इत्यादि मिलता है तो कई एक भक्त लोग जस नहीं चाहते, उसे दुख रहना चाहते, लेकिन फिर भी जस उनका पीछा नहीं छोड़ता। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी जब गोपाल जी के लिए चंदन लाने के लिए मथुरा से जगन्नाथपुरी आ रहे थे, वे रेमुना में रुके। रेमुना में गोपीनाथ जी को भोग लगा, खीर का भोग लगा, तो उनके मन में थोड़ी सी इच्छा हो गई कि गंध इतना सुंदर आ रहा, ये खीर का स्वाद जान लेता है, तो हम भी अपने गोपाल जी को भोग लगाते। तो खीर का स्वाद जानने की उनकी इच्छा हुई, लेकिन वे अयाचक वृत्ति में रहते थे, किसी को मांगते नहीं थे। फिर अपने पर ही उनको ग्लानि होने लगा कि हमारे मन में विचार क्यों आ रहा है, किसी चीज को खाने का वो चाह क्यों आ रहा है, और वे जा करके एकांत में सो गए। लेकिन गोपीनाथ जी अपने पुजारी को आदेश दिए, स्वप्न आदेश दिए कि हम एक मटका खीर रखे हैं, कोई माधवेंद्र पुरी है उसको ले जा करके दे आओ। और पुजारी जी तो अपने हिसाब से सब खीर उतार ही लिए थे, 12 मटका का खीर लगता था, लेकिन छोटा छोटा चुकड़ में 12 चुकड़ में वो वहाँ गए। जब स्वप्न दिए गोपीनाथ जी तो वे पट खोले, दरवाजा खोले, जाकर के देखे कि क्या बात सही है, तो देखे कि उनके पर्दा में एक मटका खीर, एक चुकड़ खीर पड़ा हुआ है। तो उनको विश्वास हो गया कि ठाकुर जी सही आदेश दे रहे हैं। अब ठाकुर जी की बात मान करके वे बाजार में जा करके पुकारने लगे कि माधवेंद्रपुरी कौन है, तुम अपना खीर ले लो, ठाकुर जी तुमको खीर भेजे हैं। अब माधवेंद्रपुरी सुने हैं कि पुजारी खीर दे रहा है, वो बतलाए कि मैं माधवेंद्रपुरी हूँ, और पुजारी उनको खीर दे दी। खीर खाए, बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन अब रात्रि तो बिता ली है, लेकिन भोर में ही अभी सूर्योदय से पहले ही उस स्थान का भी त्याग कर दिए। वे समझ गए कि अब तो सुबह में यही चर्चा का विषय हो जाएगा कि इस व्यक्ति को ठाकुर जी खीर भेजे तो सब लोग यहाँ घेरने लगेंगे, हमारा जस गाने लगेंगे। तो जस से भागने के लिए, जस दूर रहे, तो वे रात्रि के अंत में सूर्योदय के पहले ही रेमुना को छोड़ दी, जगन्नाथपुरी में गए। वे सोच रहे थे कि इस बात को कोई जाने मत, हमारा जस न फैले, इस भय से निकल गए। लेकिन जगन्नाथपुरी में पहुंचने के पहले उनका जस वहां फैल चुका। और कभी कभी भक्त लोग भक्ति का फल नहीं लेना चाहते, खास करके जो गौर फल है, लेकिन वह भी मिल ही जाता है, वो पीछा नहीं छोड़ता है। गाय के उदाहरण से समझ सकते हैं कि गाय कभी कभी भागती है, सांड से दूर भागना चाहती है, लेकिन सांड उसका पीछा करता ही है। और कश्यप जी कह रहे हैं कि अमोघा भगवत भक्ति नेत्रेति मतिर मम, भगवान की भक्ति अमोघ है, कभी निष्फल नहीं जाती। और इस बात की पुष्टि स्वयं भगवान भी किए हैं। अभी हम लोग सुन रहे हैं कि कश्यप जी अदिति को कह रहे हैं कि उपतिष्ठस्तु पुरुषम, तुम पुरुष की आराधना करो, वे तुम्हारे सारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। और अदिति प्रश्न कर दिए, वे सुनिए कि भगवान हमारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे, तो प्रश्न करते कि किस विधि से हम भगवान की आराधना करें, विधि बतलाइए। और कश्यप जी अदिति को एक व्रत बतलाए, 12 दिन का व्रत है, और दूध का ही आहार करना होता है, इसलिए उसको प्रेम व्रत कहते हैं।
और 12 दिन के व्रत से भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। जब भगवान उसके सामने प्रकट हुए तो अद्वितीय जो भगवान का दर्शन की और उसका हृदय गदगद हो गया, उसका शरीर कांपने लगा, आंखों से अश्रु बहने लगा, भगवान को दंडवत प्रणाम किए और कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं बोल पाई। इसके बाद थोड़े देर के बाद स्थिर हुई तो कहने लगी, जगदीश यज्ञ पुरुष, ताकि आप हमारे यज्ञ का फल दे दिए, आप ही यज्ञ के भोक्ता है, आप ही यज्ञ के नियामक है, फल देने वाले, कई तरह से स्तुति करने लगी और कहने लगे कि आप जब प्रसन्न हो जाते हैं तो ब्रह्मा की आयु प्राप्त हो जाती, सुंदर शरीर प्राप्त हो जाता, तीनों लोगों की संपदा प्राप्त हो जाती, आठ सिद्धियां मिल जाती है, क्योंकि वो शपथ जयाधिराज है। तो फिर शत्रु पर विजय प्राप्त करना ये कौन कठिन काम? उसका आशय था कि आप कृपा कीजिए कि हमारे पुत्रों को अपने शत्रु पर विजय मिल जाए। उसी के लिए व्रत की थी कि हमारे पुत्रों का घर वापस आ जाए। तो चाह रही थी कि भगवान हमको वरदान दे कि हमारे पुत्र अपने घर को वापस कर ले। और भगवान कहे कि तुम्हारे चित्त की बात मैं पहले से जानता हूं, लेकिन इस समय दैत्यों के अनुकूल ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, काल उनके अनुकूल है। तो विक्रमस्तत्र सुखम न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति, इस समय दैत्यों से युद्ध करना सुखद नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। अब तो मानो अदिति निराश हो गए, वो तो व्रत की थी और व्रत से वो भगवान प्रकट हो गए, भगवान के दर्शन में उसको बहुत आनंद आया, लेकिन अंततः उसका उद्देश्य तो था अपने पुत्रों का घर वापस कराना। वे चाहती थी कि शत्रुओं पर विजय हो जाए हमारे पुत्रों का, लेकिन भगवान कह रहे हैं कितना विक्रमस्तत्र सुखम ददाति, अभी बल का प्रयोग करना ठीक नहीं होगा, इसे लाभ नहीं होगा। अदिति निराश हो गई, तब तो हमारा तो व्रत करना बेकार ही गया, हमारा मनोरथ नहीं पूर्ण होगा। लेकिन अब भगवान कहने लगे कि लड़ाई करना तो ठीक नहीं है, लेकिन तथापि पायो मम देवी चिंतित, हे देवी मैं कोई ना कोई उपाय सोचूंगा, ये हमारा विषय है, अब इस पर सोचूंगा। तथापि पायो मम देवी चिंतित, संतोष तस्य व्रतचर्या, तुम व्रत का पालन की हो तो इसलिए मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, तो मैं कोई ना कोई उपाय सोचूंगा, कोई ना कोई उपाय निकालूंगा। और कह रहे कि ममार्जनम नारद गंतु मन्यथा श्रद्धा रूपम फल हेतु कत्वा, भगवान कह रहे कि हमारी अर्चना कभी निष्फल जाती ही नहीं है। ममार्जनम नारद गंतु मन्यथा श्रद्धा रूपम फल हेतु कत्वा, कोई भक्ति कर रहा है, भगवान की उपासना कर रहा है तो फल अवश्य मिलेगा, हालांकि फल उसके श्रद्धा के अनुरूप मिलेगा। कई एक लोग भक्ति कर रहे हैं तो सबको एक जैसा फल नहीं मिलेगा, श्रद्धा के अनुरूप फल मिलेगा। तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी भक्ति निष्फल नहीं जाती है, हम कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। तो भगवान युद्ध से तो मना की है, लेकिन भिक्षा में मांग करके अदिति के पुत्रों का घर वापस कर दी। यहाँ कश्यप जी अपने पत्नी को उपदेश दे रहे हैं कि उपतिष्ठस्व पुरुष, तुम भगवान की आराधना कर, वो बहुत अधिक देते हैं, दिन दुखी पर विशेष कृपा करते हैं, तुम्हारे सारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। और भगवान की भक्ति तो कभी निष्फल नहीं जाती, उसका फल प्राप्त होता ही है। और इस प्रकार कश्यप जी उसको उपदेश दिए और ज्ञान से तो संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन उपासना पद्धति बतलाए
तो अब तंद्रिका आवास इत्यादि का त्याग करके और वो खूब अच्छा से व्रत की भगवान प्रकट हुए और उसको उपाय बतलाए कि तुम पति की आराध सेवा करो, मैं उनके वीर पर अधिष्ठित बन करके तुम्हारा पुत्र बनूंगा, इस बात को किसी को बतलाना मत। वो भगवान को उसके पुत्र के रूप में जन्म दिए और उसकी जो कामना थी उसको पूरा किए। अगे बलि महाराज के यज्ञ में गए और स्वर्ग को दान में मांग लिया और इंद्र को वापस कर दिया। तो कश्यप जी का यहाँ जो उपदेश है बहुत महत्वपूर्ण है कि अमोघा भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति कभी निष्पक्ष नहीं जाती और भक्तों को इस सिद्धांत पर विश्वास रखना चाहिए। भक्ति में निराशा का कोई स्थान नहीं है और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति अमोघ नहीं जाती है और दूसरे के भक्ति के विषय में यह सिद्धांत नहीं लागू होगा। कश्यप जी दोनों बात कह रहे हैं और भगवान का भक्ति हमारे सारे मनोरथ को पूर्ण कर देगा। भगवान की भक्ति करना सबका कर्तव्य है। देखिए भगवान ही सबको जन्म दिए है, भगवान ही पालन पोषण कर रहे हैं और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है तो भगवान उसको दंड देते हैं। तो भक्ति करना न करना ये ऐच्छिक नहीं है, ये अनिवार्य है। अपने से भक्ति आप नहीं करेंगे, भगवान की उपेक्षा करेंगे तो भगवान का अपमान कर रहे हैं और भगवान उसको दंड देते हैं। तो कम से कम दंड से बचने के लिए तो भक्ति करना ही चाहिए, नहीं तो दंड के भागी होंगे। और भक्ति के कई एक स्वरूप हैं, कई एक अंग है, लेकिन इस युग के लिए कलयुग के लिए तो सबसे सुगम पद्धति है भगवान के नाम का उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में इसी मंत्र की संस्तुति किए हैं। इस मंत्र के विषय में कहा गया है कि इति षोडशकम् नाम्ना कलेह कल्मश नाशनम्। ये जो 16 नाम वाला मंत्र है कि कलयुग के दोष को समाप्त करने वाला है। इति षोडशकम् नाम्ना, इस मंत्र ने 16 बार भगवान का नाम आया। आप गिनती कर सकते हैं, हरे कृष्णा 4 हुआ, कृष्णा कृष्णा हरे हरे 8 और 8 दूसरे पद में हरे राम 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 हरे हरे। तो इति षोडशकम् नाम्ना कलेह कल्मश नाशनम् और नाम्यं परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कह रहे कि भगवत प्राप्ति के साधन इससे बढ़ करके कोई दूसरा नहीं है। किसी वेद शास्त्र को उलट करके आप देख लीजिए, नान्य परतरो पायो सर्व वेदेषु दृश्यते। तो भगवान के भक्ति बहुत आसान है, भगवान के नाम का उच्चारण करना यही भक्ति। शिव जी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, तो वे तो कहते हैं कि नमामि च भजामि च। वे कह रहे हैं कि हम तो दो काम करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं और भगवान के नाम का जप करते, नमामि च जपामि च। और सबको भगवान को नमस्कार करना चाहिए, सबको भगवान के नाम का उच्चारण करना है। भगवान जिह्वा दिए हैं और इसको डुला देना यही भक्ति हो जाता है। भक्ति के लिए बहुत प्रयास की जरूरत नहीं है, बहुत संसाधन की जरूरत नहीं है। सबको अपने पास झोली माला रखना चाहिए। कोई कोई कहता है कि भगवान का नाम तो जीवा से लेना, इसमें माला की क्या जरूरत। बात बिल्कुल सही है, भगवान का नाम बोलने के लिए तो माला की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कितना नाम बोल है इसका हिसाब रखने के लिए माला की आवश्यकता जरूर है।
माला नहीं रखेंगे तो दो चार बार भगवान का नाम बोलेंगे, मन कहेगा कि बाबू बहुत बोल दिया और रहने से। तो अपना अकाउंट ठीक रखने के लिए झोली माला की जरूरत पड़ती है। हम लोग तो गांवों में कभी कभी जाते हैं, किसी वृद्ध व्यक्ति को कहते हैं कि अब आप जप कीजिए, झोली माला रखिए। तो वृद्ध व्यक्ति कहता है, अरे साधु जी, आप लोगों से कम मैं नहीं भजन करता हूँ, आप लोग जगते हैं तभी से मैं जग जाता हूँ, और राम राम ही तो करता हूँ, और दूसरा काम ही क्या है। तो बात तो कुछ अंश में सही कहते हैं, वृद्ध हो गया है तो बहुत नींद नहीं आती है, जग तो जरूर जाते हैं, लेकिन थोड़ा उनके पास बैठ करके देखिए, जो राम राम कर रहा है कि कुछ दूसरा चीज कर रहा है, कोई श्रोता मिल गया उनके पास, अपने बेटा पुतों का शिकायत प्रारंभ करके, अपने नाते का प्रशंसा प्रारंभ करके, और भेंट होने पर साधुओं से, साधु जी दूसरा काम ही क्या है, तो राम राम ही करते हैं। तो मन बहुत धोखेबाज है, दो चार बार नाम लेगा तो काउंट कर लेगा कि तो बहुत ले लिए, और इसलिए कितना नाम बोल ले उसका गणित रखने के लिए झोली माला की आवश्यकता पड़ती है। वह एक सिद्धांत है, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य 24 घंटा में लगभग 25,000 बार सांस लेता है, और श्रील प्रभुपाद जी स्टैंडर्ड दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को कम से कम 16 माला जप करना है। जब 16 माला जप करते हैं तो लगभग 25,000 हो जाता है, 25,000 से थोड़ा अधिक हो जाता है। एक माला में 108 मन का होता है, और मंत्र में 16 बार भगवान का नाम आया, तो एक माला जप की है तो भगवान का नाम हुआ 16 × 108, क्योंकि माला में 108 मंत्र, और 16 माला कर दिए तो 16 × 108 × 16, और 25,000 बार सांस ले रहे हैं, और कम से कम एक सांस पर एक नाम भी आना चाहिए। तो यह एक मोटा मोटी गणित है, और माला झोली रखते हैं अपने गणित ठीक रखने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी 16 माला का स्टैंडर्ड दिया है, जो व्यक्ति प्रारंभ में 16 माला नहीं भी कर पा रहा है, और जितना कर सकता है 12 माला, 8 माला, 10 माला या 4 माला, नहीं तो कम से कम 2 माला तो जरूर ही करना चाहिए, और अपने पास झोली माला रखना चाहिए। आप किसी भी स्कान के सेंटर से संपर्क करेंगे तो वहाँ आपको झोली माला सुलभ हो जाएगा, हो सकता है कि यहाँ भी स्टॉल लगा हो, और झोली माला अपना रखना चाहिए, जप करना चाहिए। इस मंत्र के विषय में एक चीज स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि इसमें देश काल और पात्र का बंधन नहीं है, एक महामंत्र है, कलयुग के लिए मंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इसमें सबका अधिकार है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, युवक हो, वृद्ध हो, बालक हो, कोई भी इस मंत्र को बोल सकता है, और कहीं भी इस मंत्र को बोल सकता है, घर में बोल सकता है, मंदिर में बोल सकता है, यात्रा कर रहा है, रेल में, ट्रेन में है, कार में है, वो कहीं भी बोल सकता है और कभी भी बोल सकता है, इसमें समय का बंधन नहीं है। कभी कभी हम लोग जप करने के लिए कहते हैं तो माता जी लोगों का ऑब्जेक्शन रहता है, कहाँ टाइम है, सुबह तो हम लोग को भोजन बनाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना है, और ठीक है सुबह टाइम नहीं है तो दोपहर में जप करो, संध्या को जप करो, समय का बंधन नहीं है, कभी भी जप कर सकते हैं, रात को, दिन को, सुबह में, शाम में, दोपहर में, जब आपको समय मिले
इस मंत्र का जप कर सकते। तो यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। और श्रील प्रभुपाद की भक्ति को स्थिरता रूप से संपादित करने के लिए चार और नियम दिए, उसको कहते हैं कि नो मीट ईटिंग। अब भक्ति में तो मांस का त्याग करना होता है, मांस भक्षण का पूरा पूरा निषेध है। ये मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, ये तो राक्षसों का भोजन है, ये कुत्ते बिल्ली का भोजन है, मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य को अन्न दूध साग फल इसका आहार करना चाहिए, इससे सात्विक वृत्ति रहती है, भजन ठीक होता है। और मांस का त्याग करना होता है और नशा का त्याग करना होता है। आदमी ऐसे ही अपने स्वरूप को भुला हुआ है, ऊपर से शराब पी लेता है और भूल जाता है। और शराब पीना बहुत भारी पाप भी है, जो व्यक्ति शराब पीता है तो उसको नरक में दंड दिया जाता है। नरक में ऐसी व्यवस्था है कि उसको एक विशेष शरीर दिया जाता है, उसको यातना देह कहते हैं। उस शरीर की विशेषता है कि कष्ट का अनुभव अधिक होगा, लेकिन वो शरीर नष्ट नहीं होगा। कितना हूँ कष्ट देने पर वो शरीर मरेगा नहीं, दुख भुगाने के लिए शरीर दिया गया है और उसमें अधिक दुख का अनुभव होता है। और जो व्यक्ति शराब पीता है और उसको नरक में भेजा जाता है और वहाँ लोहा पिघला करके, लोहा जब बहुत गर्म करते हैं तो लिक्विड हो जाता है, तरल हो जाता है, और उस तप्त लोहा को केन में रह करके सीधे उसके मुख में डाला जाता है, तो कष्ट भोगना पड़ेगा। जो शराब पिएंगे तो जमराज के दूध उनको लोहा गर्म करके पिलाएंगे, तो यह बहुत भारी पाप है। जो व्यक्ति मांस खाता है तो उस व्यक्ति को बड़े बड़े कराह में खौलते हुए तेल में डाला जाता है, जैसे यहाँ पकौड़ी को डालते हैं छन छन करता है, तो वैसे व्यक्ति छन 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 जलता है, दुख भोगता है लेकिन मरता नहीं है। और मांस का त्याग करना, शराब का त्याग करना और व्यभिचार का त्याग करना। कोई स्त्री पुरुष विवाह के बंधन में है और यह कोई पाप नहीं है, दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना यह कोई पाप नहीं, ये तो धर्म है। लेकिन वैवाहिक जीवन के बाद स्त्री पुरुष का संबंध है, ये बहुत भारी पाप है और इसका त्याग करना होता है। और गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का अर्थ है जुआ खेलना। ये जुआ के जो चेतना है के चोरी के चेतना से मिलता जुलता है। जुआ का मतलब क्या है, बिना परिश्रम किए दूसरे का धन अपने कब्जे में लाना चाहे, तो जुआ भी चोरी का भाई ही है, तो इसलिए जुआ का निषेध किया गया। और श्रील प्रभुपाद जी भक्ति के प्रचार के लिए, सब लोग भक्ति आसानी से कर सके और इसी के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस संस्था की स्थापना की। तो आज विश्व में सर्वत्र इसके ब्रांच मिल जाते हैं, इसका लाभ लेना चाहिए। सेंटर में जाएंगे तो कैसे भक्ति करना है और इसका प्रैक्टिकल निर्देशन प्राप्त होता है। और सबको सेंटर में जा करके भक्ति सीख करके, भक्ति का साधन रह करके अब भक्ति प्रारंभ कर देना चाहिए। एक एक दिन निकल रहा है और धीरे धीरे पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, तो इस अवसर को ऐसे खाली नहीं जाने देना चाहिए। भगवान ने बहुत बहुत प्रकार के शरीर की रचना की, श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि भगवान सृष्टवा पुराण विविधान अजयात्म शक्ति, अपने माया शक्ति के सहयोग से भगवान विविध प्रकार के शरीर का निर्माण किए और एक एक से शरीर की बहुत बहुत विशेषता है।
वो जलचर प्राणी है, मछली है, पानी में रह सकती है, पक्षी है, आकाश में उड़ सकते हैं, वृक्ष है, एक स्थान पर रह करके अपना जीवन व्यतीत कर देता है, और बहुत बहुत शरीर की रचना की है, लेकिन तैतय ऋतुष्ट हृदय भगवान को उसे संतुष्टि नहीं हुई। जब मनुष्य शरीर की रचना की है तो मुदम अवाप तो उनको प्रसन्नता हुई। क्या प्रसन्नता हुई कि ब्रह्मा व लोक अतिशय, मनुष्य शरीर की विशेषता है कि व्यक्ति योजना करके भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। जो दूसरे प्राणी हैं तो परिवार का भरण पोषण तो वे भी कर लेते हैं। आप किसी कुतिया को देखेंगे, किसी बिल्ली को देखेंगे तो वे भी संतान उत्पन्न करते हैं, और वे लोग अपने संतान के लिए आहार भी जुटा लेते हैं, वे पालन पोषण कर लेते हैं। अब मनुष्य भी केवल परिवार के पालन पोषण तक सीमित रहे तो अब कुत्ता बिल्ली से उसका कोई अंतर नहीं माना जाएगा। भगवान मनुष्य शरीर की रचना करके प्रसन्न हुए केवल का कारण है कि ब्रह्मा व लोक अतिशय, इस शरीर में ऐसा बुद्धि दिए हैं कि व्यक्ति अपने परिवार को भी चला सकता है, इस संसार की समस्या को सॉल्व कर सकता है, और परलोक के लिए भी कुछ योजना कर सकता है। हम इस जीवन के बाद अच्छे लोग को प्राप्त करें, भगवान के धाम को प्राप्त कर लें तो इसकी भी वह योजना कर सकता है। यह मनुष्य शरीर में ही सुलभ है ऐसे बुद्धि, कोई कुत्ता भी नहीं है, पशु पक्षी है तो इस शरीर की समस्या को सुलझा देते हैं। वे बच्चा उत्पन्न करते हैं, बच्चा को शीत से कैसे बचाना है, ठंडा से कैसे बचाना है, उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन भगवान के धाम में जाएंगे तो इसकी योजना नहीं कर पाते। मनुष्य शरीर की विशेषता है कि भगवान ऐसे बुद्धि दिए हैं कि योजना कर सकता है कि भगवान के धाम को कैसे प्राप्त करें, तो इस सुविधा का लाभ लेना चाहिए। इस सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे तो यही माना जाएगा कि आप पशु स्तर के ही रह गए, भगवान जो सुविधा दिए हैं उसका उपयोग नहीं किए। तो ध्यान देना चाहिए, समय एक दिन निकलता जा रहा है, तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अपने पास अपना झोली माला रखिए, अपना खान पान शुद्ध करके और भगवान के भक्ति में नियमित प्रवृत्त हो जाइए। आप यहाँ आए हैं यह भी एक भक्ति है, लेकिन यहाँ तो आए और कल से रथ यात्रा का अवसर मिलेगा, भक्ति है। अब बाद में आसपास हो सकता है कि ऐसा अवसर न मिले, और भक्ति कंटिन्यू रहे इसके लिए अपना साधन रखना चाहिए, झोली माला रखना चाहिए, और नियम दे करके रोज कुछ ना कुछ भगवान के नाम का जप करना चाहिए। यही आप लोगों से प्रार्थना है और श्रीमद् भागवतम का यही संदेश है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को याद कर लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बहुत कम कम समय में पाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि संडे है, सभी को छुट्टी है, इसका लाभ आप सभी को मिलना चाहिए। हम इसका लाभ उठाएंगे तो प्रोग्राम थोड़ा सा आगे चलेगा, 15-20 मिनट हम इसको एक्सटेंड करेंगे प्रोग्राम को। तो आप लोग से विनती है कि आप शांतिपूर्वक बैठे रहें,
मैं आज कथा का आखिरी दिन है, जैसी परंपरा चली आ रही है, तो मैं कुछ भक्तों को कथा का अनुमोदन करने के लिए मंच को बुलाने का बुलाऊंगा और उनसे विनती है कि समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा 3 से 4 मिनट के अंदर अपनी वाणी को सूचित करें और कथा का अनुमोदन करें। तो मैं सर्वप्रथम जगत कृष्ण प्रभु को आमंत्रित करूँगा, उसके बाद धाम आत्मा गौर प्रभु को आमंत्रित करूँगा, तत्पश्चात हरग्रेस जानकी माता जी को आमंत्रित करूँगा और फिर अतिचय माधव प्रभु को आमंत्रित करूँगा। तो आप लोग से विनती है कि इसी टाइम पर आप तैयार रहें, जगत कृष्ण प्रभु, धाम आत्मा प्रभु, जानकी माता जी और अतिचय माधव प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, खास करके नवी मुंबई के सभी भक्तों का, कि हमारे स्नेह मुंबई में ही वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज जी यहाँ पर 4 दिन से कथा कर रहे हैं। हालांकि इसमें कथा 7 दिन का होना चाहिए था, लेकिन महाराज जी ने 4 दिन में, खास करके आज का एक प्रसंग था बहुत, और 3 दिन का था, लेकिन आज ही 1 दिन में कम समय में महाराज जी ने 7 दिन में हमें ये 4 दिन में समझाया। महाराज जी का ये जो कथा बोलने का जो श्रेणी है वो खास करके मुझे बहुत ही पसंद है। महाराज जी से मैंने भक्ति शास्त्री में भक्ति शांति सिंधु का श्रवण किया। महाराज जी कोई भी विषय वस्तु को ठीक ठीक प्रकार से प्रस्तुत करने में ज़्यादा महत्व देते हैं। कोई भी शास्त्रीय शब्द हो उनको बहुत ही सुंदर रूप से एक एक शब्द के अर्थ को अच्छे से समझाते हैं। और संस्कृत में विद्वान है महाराज जी, संस्कृत और बंगला भाषा अच्छी तरह महाराज जी जानते हैं और ब्रज के प्रति महाराज जी का बहुत ही अटूट प्रेम है, ब्रज में वास करते हैं। हालांकि यहाँ पर 5-6 दिन से यहाँ पर मुंबई में है, लेकिन मुंबई से जब वृंदावन में जाएंगे तो महाराज जी का एक नियम है कि प्रत्येक दिन वृंदावन की जो परिक्रमा है, वृंदावन की वो परिक्रमा करते हैं। जब कभी कभी वृंदावन से बाहर चले जाते हैं तो वापस वो वृंदावन में आते हैं, तो सुबह शाम दोनों टाइम भी महाराज जी परिक्रमा करते रहते, कभी ठंडी हो कभी गर्म हो। और ब्रजवासी के प्रति भी महाराज जी का बहुत ही प्रेम है, ब्रजवासी क्योंकि भगवान वही कहते हैं। जैसे कि कोरोना का समय था तो महाराज जी ब्रजवासियों को सेवा करते थे, बहुत सारे ब्रजवासियों को दान वगैरह देते हुए उनको सेवा करते थे। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी यहाँ पर आए, जिनके हृदय में ब्रज बसा हुआ है, चक्रपा जी की कृपा, गुरु की कृपा महाराज जी के हृदय में है और हम सब भक्तों को बांटने के आए हैं। तो महाराज जी के चरणों में मैं विनती करता हूँ कि हमारे ऊपर भी कृपा करें, ताकि हम भी आपकी तरफ भगवान की सेवा में लग सकें और भागवत को ठीक से समझ सकें और हमारा जो उद्देश्य है मनुष्य शरीर का वो उद्देश्य प्राप्त हो। और खास करके मैं अपना सौभाग्य की सराहना करता हूँ, महाराज जी को हृदय पूर्वक मैं धन्यवाद देता हूँ और बार बार नवी मुंबई में आने के लिए महाराज जी से मैं विनती करता हूँ। तो जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए हम लोग महाराज जी का आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम इस बड़े श्रृंगार चंद्र गोस्वामी महाराज की प्रभुपाद की। ओम ज्ञान से ज्ञान जन सला चतुर दसमे श्री गुरु वंशा कर्प दुर्गेश कृपा सिंधु जय वैश्व कविता नाम पावने भे वैष्णवे भे नमो नमः। मुखम करो दिवाचालम पंगुलंगाय देगे यत्कृपा तमाम वंदे परमानंद माधव। हरे कृष्णा जय श्री राम। तो आज का सभी जगह ये दो तरह का जो लहर है ये जोरों शोर से लहर चल रहा है, वो कौन सा? एक शीत लहर
अभी मुंबई में तो ठंडी नहीं है, लेकिन मुंबई से बाहर बहुत ठंडी है, जैसे कि वृंदावन उत्तर भारत की तरह से। तो एक लहर ये है, लेकिन इससे भी काफी बड़ा लहर दूसरा चल रहा है, कौन सा? जय श्री राम। साधु जितना जोर से बोल सकते हैं उतना जोर से बोलिए जय श्री राम। तो इसी लहर के बीच हम लोग पिछले 3 दिनों से भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं हम लोग। ये हम लोग का बड़ा सौभाग्य है। तो कहा जाता है कि ढोल मजीरा और मिजी के साथ बहुत सारे कथाएं हो रही है, लेकिन जो शुद्ध कथा जो है ये बहुत ही कम श्रवण करने को मिलता है, जो कि हम लोग पिछले 3 दिनों से भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं हम लोग। तो इतना आनंद आया कि आज देखकर के चौथा दिन है कि सबक वाली कथा का श्रवण करते ही है, श्रवण करते रहिए। आज सबक वाली कथा कल ही शुरू हुआ, कैसे खत्म हो गया, 4 दिन जीत गया। तो ये बड़े सुंदर भागवत में प्रसंग आता है कर्दा मुनि और माता देव हुति का। तो जब कर्दा मुनि जब तपस्या कर रहे थे, तो उसी समय माता देव हुति के जो पिताजी है मनु महाराज अपने पुत्री देवहूति माता को लेकर के आते हैं विवाह कराने के लिए। और प्रस्ताव लेकर के जैसे कर्दा मुनि के पास पहुंचते हैं और अपना प्रस्ताव रखते हैं कि जो मेरी पुत्री है आपसे विवाह करना चाहती है, आपको पसंद करती है। तो फिर प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं कर्दा मुनि जी और विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद ये जो देवहूति माता है कर्दा मुनि की सेवा में लग जाती है और कर्दा मुनि भगवान का भजन में लग जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। इसी बीच काफी समय बीत जाता है और जब उस समाधि से जब बाहर आते हैं तो अपने पत्नी देवहूति माता को प्रसन्न करने के लिए सुंदर विमान का निर्माण करते हैं। और वो विमान भागवत के तृतीय स्कंध में वर्णन किया गया है, वो इतना दिव्य विमान था कि आज भी हम जो विमान देखते हैं उसके तुलना में ये विमान कुछ भी नहीं है। वो रत्नों से बना हुआ विमान वातानुकूलित, जैसे कि आज जो विमान होते हैं आज भी वातानुकूलित विमान होते हैं, वो गर्मी में ठंडी में गर्मी कर सकते हैं उसमें भी, लेकिन उसके तुलना में कुछ भी नहीं था। और इस प्रकार उस विमान में बैठा कर माता देवहूति को काफी वर्षों तक अलग अलग ग्रहों की यात्रा कराते हैं, जैसे शादी के विवाह जो दंपति है बाहर निकलते हैं यात्रा के लिए। तो ऐसे ही कर्दा मुनि अपने पत्नी को लेकर निकलते हैं। काफी समय बीत जाता है और काफी समय के भी घूमने के बाद अलग अलग स्थानों पे जाते हैं, सब कुछ यात्रा करने के बाद जो वापिस घर आते हैं और घर आने के बाद माता देवहूति क्या महसूस करती है कि हजारों वर्षों तक हम लोगों ने क्या किया, ये विमान पे चढ़ कर यात्रा की काफी वर्षों तक, लेकिन वो सुख उनको कैसा लग रहा था कि वो जो पल क्षण भर में वो हमारा हजारों सालों का यात्रा है क्षण भर में पूरा हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से 3 दिन का हम लोग कथा जो श्रवण कर रहे थे वो ऐसा लग रहा है कि वो तो कल ही कथा शुरू हुआ और आगे कई दिनों तक चलते रहना चाहिए। तो महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हुए हम लोग महाराज से प्रार्थना करेंगे बार बार अपना श्रवण प्राप्त करें और ऐसा ही शुद्ध कथा जो बहुत कम श्रवण करने को मिलता है तो उसका लाभ प्राप्त हम सभी को हो। तो यही बोलते बोलते मैं भाई विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। तो सूचना है कल मंदिर में सुबह 8 बजे का भागवतम क्लास पूज्यपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा दिया जाएगा। क्या सभी भक्तों से निवेदन है कि कल इस्कॉन खारघर में आके महाराज जी का आशीर्वचन प्राप्त करें। हरे कृष्ण। मैं निवेदन करूंगा हिंदुस्तान गिरधारी प्रभु को कथा का अनुमोदन करने के लिए। प्रभुपाद की परम पूज्य वृंदावन महाराज की। श्री प्रभुपाद जी एक बार बताए थे, एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से आके पूछा कि पुस्तक भागवत और पत्र भागवत इन दोनों में किसका ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोले दोनों मुख्य हैं, लेकिन पत्र भागवत जो है हमारा कान पकड़ के भगवान के चरण तक लेके आते हैं।
ये जो भगवत कथा हुई पिछले चार दिन से मैंने सिर्फ दो दिन अटेंड कर पाया, बाकी दो दिन कुछ काम की वजह से नहीं आ पाया, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट बातें महाराज समझाए हैं इस कथा से, खास करके गृहस्थ जीवन में हमें निभाने के लिए इतने सारे धर्म के बारे में बताए हैं। उनमें से अगर कुछ 10%, 15%, 20% जितना यथाशक्ति हम अपने लाइफ में अपनाना चाहे, जैसा महाराज ने आगे में बताया कि 5 दिन 4 दिन के आनंद तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन जो संदेश महाराज दिए हैं उसको अपने लाइफ में जब अपनाएंगे हम खुद ही महसूस कर सकते हैं कि जो बदलाव होनी चाहिए वो होगी। सुसुतम कर्तुम अव्ययम, जो आनंद हम इस सिद्धांत जो श्रीमद् भागवतों के द्वारा दिया गया है वो हम अपनाना चाहिए। दूसरी बात, इस भागवत कथा जो हर साल यहाँ मनाने के कारण ये भी है कि इस कलयुग के प्रभाव को दबाने के लिए, कलयुग के प्रभाव को टकराने के लिए एक ही मात्र उपाय है जो महाराज ने लास्ट में सॉल्यूशन बताया है कि इन सारे भागवत विधियों को, शिक्षाओं को अपने लाइफ में अपनाने के साथ साथ हरि नाम जापे और इस हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन में भाग ले और हमारा संस्था के साथ जुड़े और अपने जीवन सार्थक करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामकृष्ण प्रभु को और दरकार कांग्रेगेशन को इसका ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, और उम्मीद है कि आप लोग इस संदेश जो महाराज ने दिए हैं वो आपके लाइफ में अपनाओगे। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण। निवेदन करूंगा हर वे जानकी माता जी को स्टेज पे आके कथा का निवेदन करने के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जैसा कि महाराज ने चार दिन की बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा की है, तो इसमें जो हमें संदेश मिलता है उसके बहुत ही सुंदर सुंदर पॉइंट्स महाराज ने सभी के समक्ष प्रस्तुत किए। जैसे कि प्रथम दिवस पे बताया महाराज ने परिक्रमा का क्या फल होता है, हमें मंदिर में जाकर परिक्रमा करनी चाहिए, किस प्रकार दर्शन लेना चाहिए, जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे वो सब हमको इस कथा से सुनने को मिले। फिर जो ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, गुरु हैं, उनको देखते के साथ ही हमें सदैव प्रणाम करना चाहिए और हमें अपने तपस्या, अपने जीवन में तपस्या अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब हम तपस्या करते हैं तभी हम अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, तभी हमारी धरती सफल हो सकती है। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम तपस्या करें। तो तपस्या का जो बहुत ही साधारण कुछ नियम हैं जो आज बताए गए कथा में महाराज जी के द्वारा, कि हमें 4 नियमों का मुख्य पालन करना चाहिए और निरंतर भगवान के हरि नाम का जप करते रहना चाहिए, और साथ में छोटे छोटे प्रैक्टिकल पॉइंट्स, जैसे कि कोई अतिथि घर पर आता है तो उसका किस प्रकार सत्कार किया जाना चाहिए, हर परिस्थिति में अतिथि को पूर्ण सम्मान के साथ उसको स्वागत करना चाहिए, उसको जल ऑफर करना चाहिए और उसको मीठे शब्दों से, मीठे वचन के साथ उसका सम्मान करना चाहिए, और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको अर्पित कर सकें भोजन इत्यादि सामग्री अर्पित करनी चाहिए, लेकिन उसके सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है जो हमें हर परिस्थिति में करना चाहिए कि आसन प्रदान करें, जल दें और मीठा वचन जरूर बोलें। तो भक्ति के मार्ग में हमें बार बार यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा मीठा मधुर बोलना चाहिए, और वो तभी होगा जब हम भगवान के श्री हरि नामों का निरंतर चिंतन करेंगे, उनके नामों का जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो एक बार फिर मैं राम कृष्ण प्रभु और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने सभी को इतने सुंदर प्रवचन के द्वारा अध्यात्म ज्ञान से प्रकाशित किया और ये उम्मीद करते हैं कि महाराज बार बार प्रतिवर्ष आए और सबको इसी प्रकार ज्ञान से पूरित करते रहे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उत्तर क्या है? कितना बजे चालू होगा? 2 बजे। कितना बजे यहाँ पे आना है? 1 बजे सभी के लिए यहाँ पे प्रसाद है। 12:30 बजे तक आ जाइए, प्रसाद पाके रेडी हो जाइए ताकि 2 बजे से 6 बजे तक यात्रा का आनंद ले सके। 1 बजे प्रसाद होगा सभी के लिए, 2 बजे यहाँ पे यात्रा प्रारंभ होगी और पूरा कलंगली घूमते भगवान कृष्ण बलराम सभी को आशीर्वाद दे के यहाँ पे वापस आएंगे। कहते भगवान जब रथ पे आरूढ़ होकर चलते हैं तो उनके दृष्टि पथ पे जो जो लोग आते हैं सबका कल्याण होता है। तो आप लोग भारी मात्रा में आइए, भगवान के यात्रा में भाग लीजिए और भगवान के भोग बना के आ सकते हैं तो हम भगवान को 56 भोग अर्पण करेंगे। तो माताएं घर से आते समय या फिर शाम को भगवान के लिए भोग बना के ला सकती हैं। ध्यान रहे लहसुन के आस का प्रयोग ना हो और हम चाहते हैं प्रायः सभी भक्त धोती कुर्ता में आए। अगर कोई धोती कुर्ता पहनना चाहता है उनके पास नहीं है तो हमारे पास उपलब्ध है प्रचुर मात्रा में, आप हमें संपर्क करके धोती कुर्ता प्राप्त कर सकते हैं। तो सब धोती कुर्ता में भगवान के साथ चलेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। और आज का प्रसादक जो मुख्य सहयोग किए हैं उनके नाम इस प्रकार है, दीपा शर्मा जी, प्रेम वर्मा जी, राजेश महेरा जी और विजय शर्मा जी। तो उनके लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उद्घोष करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कलंबली में हमारा वीकली प्रोग्राम होता है डी मार्ट के पास में, तो आप उसे संपर्क हो सकते हैं। जो लोग अपना नंबर दिए सभी का नंबर हमने इकट्ठा किया है काफ़ी लोगों का, तो आपसे संपर्क किया जाएगा, आपको व्हाट्सएप मैसेज दिया जाएगा। और इसको हम खारगर मंदिर आप हर रविवार आके जैसे महाराज ने कहा भक्ति से जुड़े रहना चाहिए तो हर संडे मंदिर में आके उसका लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्ण। माताएं जो प्रसाद लाएंगी तो ऑयल पेपर में लेके आएंगी तो अच्छा है, अगर आप बर्तन में लाती हो तो